तो आज की हमारी इस जी ऑनलाइन सर, जी क्लास हाँ, में मिस्टर राजू जी, संदीप, समीर जी एंड इंदर जी हैं, उनके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वी लुकअप का टॉपिक। इट मींस वी लुकअप के ट्रिक्स जो होते हैं उस ट्रिक्स के बारे में, या एक कह लीजिए कि वी लुकअप में हम एडवांस वी लुकअप के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज अपने इस क्लास में। तो मेरे पास डेटा है, डेटा देख लेते हैं। तो अभी तक जो हमने स्टडी किया है उसके बारे में एक बार जान लेते हैं कि हमने नॉर्मली लुकअप करना सीखा था। लुकअप के अंदर हमने एरे, वी लुकअप के अंदर जो हमारा एरे का इस्तेमाल होता है वो एरे का इस्तेमाल करना सीखा था, कॉलम का इस्तेमाल करना सीखा था। फिर मैंने वी लुकअप में मैच का इस्तेमाल कैसे होता है, वो मैच के इस्तेमाल के बारे में भी मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी लास्ट क्लासेज में। उसके बाद फिर मैंने आपको एच लुकअप के बारे में बताया था, मैच और इंडेक्स के बारे में बताया था। फिर उसकी अगली क्लास में मैंने आपको, हाँ ये तो क्लास हुई है ना, इसके आगे तो नहीं हुई राजू जी, ये स्टार और क्वेश्चन मार्क वाला बताया था आपको मैंने। अच्छा, हाँ सर, बताया था आपने। जी तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टी शीट वी लुकअप से, राइट। मल्टी शीट वी लुकअप आई थिंक आपको नहीं बताया था। तो चलिए आज की सेशन हम स्टार्ट करते हैं मल्टी शीट वी लुकअप से। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों के पास कोई डाउट या कोई क्वेश्चन तो नहीं है, क्योंकि तो बीच में पूछेंगे तो डिस्टरबेंस होगी। तो आपके पास अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो अभी पूछ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। मल्टी शीट वी लुकअप का मतलब क्या है इसके बारे में एक बार जान लीजिए तो आपको आगे सीखने में आसानी होगी। बेसिकली मेरे पास डेटा जो है वो तीन शीट में है, डेटा वन, डेटा टू एंड डेटा थ्री। तो हमारा जो यूनिक आईडी है, एम्प्लॉय कोड मान लीजिए, जो पहले शीट में 1 से लेके 50 तक है, दूसरे शीट में 51 से लेके आपका 100 तक है, और तीसरे शीट में 100 to 50 तक है। अब मेरे पास चौथे शीट में डेटा लुकअप करना है, मुझे एक कुछ एम्प्लॉय कोड मिले हुए हैं, इनके डिटेल्स हमें लुकअप करने हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो डेटा है वो तीन डिफरेंट डिफरेंट शीट्स में है। तो अब एक वी लुकअप किसी भी कंडीशन में आपका एक ही शीट से डेटा को लुकअप करेगा। हमें फॉर्मूला इस तरह से बनाना है कि अगर पहले सीट में ना मिले तो दूसरे सीट में सर्च करे, दूसरे सीट पे ना मिले तो तीसरे में सर्च करे, तीसरे में ना मिले तब जाके वो एनए का रिजल्ट दे। तो उस केस में हम वी लुकअप इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैंने पहला वी लुकअप लगाया, मान लीजिए पहली शीट से, मतलब डेटा वन से, हमने डेटा वन से लगाया और कॉमा हमने 2, 0 कर दिया, तो रिजल्ट यहाँ पे नया, मतलब कि ये जो 56 है वो पहले शीट पे नहीं है। तो दूसरा वी लुकअप, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इफ एरर का। इफ एरर के अंदर में हम दो इनपुट डालते हैं, वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ एरर। तो हमने फॉर्मूला डाला पहले पार्ट में, और हमने दूसरे पार्ट में हम दूसरा फॉर्मूला डालना है जो कि दूसरे शीट से लुकअप है। तो इफ एरर एक को लगा देता हूं मैं, फिर बताता हूं ये फर्क क्या करेगा। कॉमा 2, 0। तो हमने दो दो वीलुकअप को एक ही सीट के अंदर, दो वीलुकअप को हमने एक ही सीट के अंदर लगाया, और वो भी इफ फॉर्मूले की मदद से। तो इफ फॉर्मूला का काम क्या है कि अगर पहला जो रिजल्ट, पहले जो उसकी कैलकुलेशन फॉर्मूला जो है, अगर वो एरर है तो दूसरी को रेफर करेगा, अगर पहले रिजल्ट दिया तो दूसरे को स्किप कर देगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि पहला वी लुकअप एरर दे रहा है तो दूसरा वी लुकअप यहां लग रहा है। तो इंदर जी, समीर जी, राजू जी, कोई डाउट है इसमें कि दो वी लुकअप को इफ एरर के थ्रू आप एक सेल में लगा सकते हैं? इंदर जी, नहीं सर, कोई
डाउट नहीं है, बस इसमें है कि अब तीसरा कैसे लगाएंगे अगर लगा। हाँ तीसरा कैसे लगाएंगे, चलिए तीसरा शीट जो है डेटा थ्री वाला। तो तीसरा के लिए मैं एक और विल, एक और इफ एरर एक और इफ एरर यहां लगाऊंगा। ओके सर। चलिए तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक और इफ एरर लगाएंगे। तो पहले इफ एरर के अंदर में हमारा दूसरा इफ एरर आ जाएगा और कॉमा में फॉल्स पार्ट में हम तीसरा वीलुकअप कर देंगे। ओके ठीक है, तो हम इसको सिलेक्ट करते Got it, sir. समझ। कॉमा एंड डेटा शीट पे गए, सिलेक्ट किए एंड कॉमा 2,0। ठीक है, तो तीनों सीट से आपका कनेक्ट हो गया। ऐसे चौथा पांचवा इसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इसको डायग्राम में समझाऊं तो मान लीजिए कि आपके पास एक प्लग है। यहां पे देखिए कि वन सप्लाई को टू कर देता है, ठीक है, और आपको मान लीजिए कि ओके चार तीन से करना था। इसको इसको समझ लीजिए आप इफ एरर, ठीक है, ये आपका इफ एरर हो गया। और ये आपका यहां पे एक वी लुकअप लगा लीजिए, यहां पे एक वी लुकअप लगा लीजिए। लेकिन अगर आपके पास तीन है तो आप क्या करेंगे कि यहां पे पहला वी लुकअप लगाएंगे आप, ठीक है, और फिर यहां पे एक और इफ एरर दे देंगे और यहां पे आप दूसरा वी लुकअप और यहां पे आप तीसरा वी लुकअप कर देंगे। ऐसे चौथा हुआ तो इसको क्या करेंगे, इसमें एक और इफ एरर लगाएंगे, तो इसमें आप इसमें तीसरा कर देंगे वी लुकअप, इसमें चौथा कर देंगे। तो जितना इफ एरर होगा, जितनी आपकी शीट होगी उतनी इस तरह से आप बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। जी सर जी। और ऐसे आप बाकी के हेडिंग भी ले सकते हैं, अगर टू है तो टू को बढ़ाते जाइएगा, तो 3, 4, 5 इस तरह से आपको मिलता जाएगा। क्लियर है? जी सर क्लियर। अब एक चीज यहां पे देखिए कि मेरे पास एक सेल्स समरी है जिसमें एम्प्लॉय कोड है और यहां जुलाई के सेल्स है, ठीक है। अब मुझे अगले शीट पे या किसी और फाइल पे एक चीज देखना होता है यहाँ, कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय कोड डालता हूं और एक पीरियड डालता हूँ कि 7 जुलाई से 15 जुलाई, तो मुझे यहाँ पे 7 जुलाई से 15 जुलाई का रिपोर्ट आ जाता है। जैसे मुझे 10 जुलाई से 15 का चाहिए तो मैं यहाँ पे 10 जुलाई डालूंगा, तो देखिए 10 से 15 आ गया। आ गया सर? अभी कैसे आया, चलिए इस पे हम डिस्कशन करते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूं पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल उठता है कि जो पीरियड मैं डालूं उतना ही पीरियड का यहाँ डेट दिखना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ओके है, तो स्टार्टिंग के लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना स्टार्ट डेट, ठीक है। जी सर। और मुझे आगे इफ कंडीशन याद होगा, अगर आप लोगों इफ की क्लास याद कर रखी होगी तो आपको याद होगा, मैं यहां पे कंडीशन लगाऊंगा कि इफ इस डेट में
प्लस वन करने पे अगर वो ग्रेटर देन 15 जुलाई होता है तो यहाँ पे ब्लैंक आए, अदरवाइज इसमें प्लस वन कर दे। और इसमें एरर आने के चांसेस है तो यहाँ पे हम इफ एरर का इस्तेमाल करेंगे कि इफ एरर और सेलेक्ट किया इसको और एंटर। और आगे ड्रैग करने से पहले आपको पता ही है कि हम फ्रीज, हमें फ्रीज करना पड़ेगा F4 से। और हम एक अनुमान तक हम डेटा को कर देते हैं। तो कैसे हुआ, समझ में आ गया आपको? थोड़ा थोड़ा समझ आया सर। क्या है ना सर, यहाँ देखिए, अब हर यहाँ पे क्या करेगा कि 11 जुलाई में प्लस करेगा और चेक करेगा क्या वो प्लस करने के बाद जो डेट है वो 15 जुलाई से ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा हुआ तो खाली ये ब्लैंक यहाँ शो कर देगा, ठीक है? नहीं तो फिर 11 में एक जो 12 कर देगा, फिर 13 14, इस सीक्वेंस इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो इसे मुझे डेट मिल जाएगा। अब मैं वी लुकअप लगाता हूं। वी लुकअप में हमारा लुकअप वैल्यू फिक्स है, टेबल हम जाके अपने शीट में सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पे जैसे जनरली हम लोग 2 या 3 0 कर देते हैं यहाँ पे, तो जो 2 लिखा इसके जगह पे हमें मैच लगाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये तो हमारा रेंज डायनेमिक है ना, कभी 10 जुलाई होगा कभी 15 जुलाई होगा, तो जो डेट है उस डेट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली कॉलम काउंट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए तो हम मैच ही कर सकते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, शीट पे गए और हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, कॉमा 0, एंटर मारा। अब हमें आगे ड्रैग करना है, तो अब जाहिर सी बात जानते हैं कि हमें फ्रीज करना पड़ेगा। इसका 9 फ्रीज होगा, ये पूरा फ्रीज होगा। और फिर इसमें इफ एरर लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी तो एरर के चांसेस है, क्योंकि यहाँ ब्लैंक है तो यहाँ एरर ही आएगा ना। तो यहाँ पे हम इफ एरर लगाते हैं कि अगर एरर आया तो ब्लैंक शेयर कर दे। एंटर मारने पे हट जाता है सर, दोबारा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। जितना पीरियड डालेंगे उतना पीरियड का ही दिखेगा, क्योंकि जैसे जैसे डेट जनरेट होगा वैसे दिखेगा। इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, ऊपर साइंस ऊपर लगा हुआ है, लॉजिक ऊपर लगा हुआ ताकि यहाँ पे वो दिखे यहाँ पे। अच्छा, आपको मैंने ये लास्ट में जो हम 0 डालते हैं उसका फंडा समझा दिया था ना, ये वाले क्या 0 सर? वी लुकअप में जो हम लास्ट में 0 1 डालते हैं जो ट्रू और फॉल्स, हाँ वो एग्जैक्ट मैच 0 लेके आना होता है, अगर कुछ अप्रोक्सीमेट हो तो 1 आना चाहिए। चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। बता दीजिए। बेसिकली हमारे पास एक इंसेंटिव है सेल्स का, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास इंसेंटिव का स्लैब है कि अगर 0 to 40 आया तो 500, 41 to 1000 आया तो आपका वो है, और 61 to 80 आया तो 1500। इस तरह के मेरे स्लैब्स है। जी सर। अब मुझे इस स्लैब पे यहाँ इंसेंटिव देना है। इंसेंटिव जो हम देना चाह रहे हैं तो इस स्लैब पे देना, तो इसके लिए याद होगा हमने इसके लिए वी लुक इसका इफ एरर का फॉर्मूला बताया था, लेकिन इसको हम वी लुकअप से भी कर सकते हैं। कैसे? आप देखिए यहाँ पे हमारे पास
अपने डेटा को हम इस फॉर्मेट में अरेंज कर लेंगे, 0 to 41, 41 to 61, 61 to 81, 81 से 101, और इसके आगे हम लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हम बी लुकअप लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और हम अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे एंड कॉमा 2, 0, और जीरो के जगह पे मतलब कि फॉल्स के जगह पे हमें इसको ट्रू करना पड़ेगा, या फिर ट्रू के जगह पे वन भी कर सकते हो। फिर एंटर मारते हैं। अब 2000 किस भी आप पाया, तो ये करता है ग्रुप लुकिंग। जैसे कि इस 85 को इस लेके सर्च किया कि किसके बीच में, क्या 0 to 41 के बीच में है, नहीं, 41 to 61 के बीच में, नहीं, क्या 61 to 81 के बीच में, नहीं, 81 से लेके 101 के बीच में है, तो 81 के सामने वाली वैल्यू जो है उस वैल्यू को इसने यहाँ शो कर दिया। ठीक है जी सर। एग्जाम्पल ऐसा कि इसको हम हमारे पास एक और फॉर्मूला है लुकअप, इस फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं कि लुकअप, लुकअप वेक्टर एंड रिजल्ट वेक्टर। तो ये अलग अलग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वी लुकअप में इकट्ठा सिलेक्ट करना पड़ता है ना, आपका रेंज अगर अलग अलग हुआ तो वहां पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर लुकअप फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है कि आपको फॉर्मूले के अंदर ही, आपका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अंदर ही आपको सारी चीजें देनी है, जैसे कि 500, 1000, नहीं यहाँ पे सदी देना, कंडीशन देना ना पहले, हाँ 0, 41, 61, 81, 101 और हमने कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। फिर कॉमा वापस कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और अपने रिजल्ट 500, 1000, 1500, 2000 and 5000 हमने यहां रख दिया और इसको हमने क्लोज किया। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपको इस यहां पे अपने रिजल्ट रखने की डिपेंडेंसी नहीं हुआ, और जो नेस्टेड इफ और क्रिटिकल इफ हम जो लगाते थे उस क्रिटिकल और नेस्टेड इफ से हमें सहूलियत मिली। ठीक है सर जी। सर अब अगला और वी लुकअप का लास्ट एग्जांपल है, उसको आप देख लीजिए एक बार। अगला और लास्ट एग्जांपल, एक मैं इसको बंद कर देता हूं मैं। ओके अब इसमें करना क्या है कि हमारे पास यहाँ पे डेटा है, मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ। अब ये मैं ये एग्जांपल में अधूरा बताऊंगा, बाकी इसमें करना है आपको। ठीक है ओके सर। अब इसमें क्या करना है चीज को जानिए। देखिए इसमें करना ये है कि हमारे पास डेटा है, उसे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग लुकअप करना है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हमने सेल्स सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेल्स से रिलेटेड बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो क्या है कि इसमें रिपीटेड है, हर एक वैल्यू कई बार रिपीटेड है। जैसे हम फिल्टर लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अकाउंटिंग में फिल्टर लगाया, ओके किया, तो अकाउंटिंग के कितने सारे रिकॉर्ड्स हैं, देखा आपने। तो मैं विथ वी लुकअप मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट डालूं और डिपार्टमेंट जितने भी है उसका लिस्ट यहाँ पे दिख जाए, इसको हम लोग वी लुकअप लिस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है सर जी। सर
तो यहाँ आ जाए, इसके लिए कैसे करेंगे हम? तो चलिए इसके लिए हम आपको बताते हैं क्या करेंगे। तो एक से ज्यादा वैल्यू को वी लुकअप किसी भी कंडीशन में लुकअप नहीं करेगा, तो हमें उसके लिए कुछ तिगड़म करना होगा। हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे एक रो को। हमारे पास काउंट इफ का फॉर्मूला होता है। काउंट इफ में मैंने बोला कि डिपार्टमेंट की कॉलम में जाओ, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लुकअप करो। तो यहाँ पे देखिए आपको 10 आ गया। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे कि यहाँ फाइनेंस 1 है तो यहाँ पे 1 आए, फिर नीचे जहां उसको फाइनेंस मिले तो वहां पे सीरियल नंबर बढ़ा दे कि 2, फिर इसके नीचे जहां मिले फाइनेंस तो 3, 4, 5। ऐसे हर एक डिपार्टमेंट जिससे जिससे रिपीटेड हो रहा है उस तरह से उसको सीरियल नंबर देता जाए। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल काउंट इफ का ही फॉर्मूला लगाऊंगा, बट इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा लगाने का तरीका। G2 से G2, G2 हमने कर दिया, और पहले वाले G2 को हमने F4 से या डॉलर साइन लगा के हमने फ्रीज कर दिया। अब इसको मैंने नीचे की तरफ ड्रैग किया, तो यहाँ देखेंगे हर किसी को 1 आया, जैसे वो रिपीटेशन आया 2 आ गया, जैसे वो तीसरी बार रिपीट होगा तो 3 आएगा, चौथी बार रिपीट होगा तो चौथा आएगा। तो इससे आप अगर फिल्टर लगा के देखें तो इस काउंट इफ ने क्या किया, अकाउंटिंग किया, तो अकाउंटिंग का जितने भी है उसको एक सीरियल नंबर दे दिया, तो हर डिपार्टमेंट को इसी तरह से सीरियल नंबर जनरेट कर दिया। तो मैंने इसमें क्या किया कि इसके अंदर मैंने एट द रेट लगाया, डैश का सेपरेशन दिया, और क्या हो गया, और इसका डिपार्टमेंट सिलेक्ट लिया और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। हो गया सर? तो यहां देखिए कि हर डिपार्टमेंट का एक यूनिक कोड जनरेट हो गया है। अब मैं यहां भी ऑटोमेटिक सीरियल नंबर चाहता हूं, तो मैंने यहां पे काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया और काउंट इफ से पूछा कि भैया इस पूरे में ओवरऑल सेल्स आया कितना बार है, 13 टाइम है। मैं मैनुअल यहां 1 लिख देता हूं, फिर यहां कंडीशन देता हूं कि इफ अगर इसमें +1 करने पे ग्रेटर देन 13 होता है तो यहीं पे ब्लैंक कर दो, अदरवाइज इसे +1। जैसे हमने डेट पे किया था वही मेथड में यहां लगा दिया, नीचे एरर आने के चांसेस है तो इसलिए मैंने यहां पे इसको इफ एरर दे दिया। और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। नीचे तरफ ड्रैग करने से पहले हमें इसको M2 को फ्रीज करना पड़ेगा ना। अब मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाऊंगा। वी लुकअप में जैसे कि यहाँ पे क्या है, इसका सीक्वेंस नंबर और डिपार्टमेंट मर्ज है, तो मैं यहाँ भी इसका सीक्वेंस नंबर और डैश सेपरेटर के साथ इसका डिपार्टमेंट को मर्ज करूंगा और फिर इसमें हम यहाँ से लुकअप करेंगे। नाम चाहिए कॉमा और इसमें मैच लगा दीजिए। मैच कॉमा
ठीक है आ गया। अब इसको आगे ड्रैग करना है तो फ्रीज व्रीज कर देते। और यहाँ if error comma break और फिर इसको जहां तक आपको लगता है कि 5, 50, 60 जो भी है वहां तक इसको ड्रैग कर दीजिए। तो जितना बार रिपीट होगा सब यहाँ पे IT किया एंटर मारा तो देखिए IT 14 बार है तो नीचे 14 रिपोर्ट देंगे आप। अब बताइए इसमें कोई डाउट है आपको? इसे डाउट तो नहीं बड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस कीजिए भेज देंगे ना मतलब इसमें आपको इस फाइल में आपको भेज रहा हूं इसमें दो चीजें करना है आपको। पहली चीज क्या करनी है इसको समझिए। पहली चीज करना है इसमें आपको कि इसके नीचे टोटल आना चाहिए जैसे कि यहाँ टोटल दिखना चाहिए। टोटल 14 हो तो 14 यहाँ टोटल लिखिए। कंप्यूटर में डेटा कमेगा तो टोटल ऊपर चला जाएगा डेटा बढ़ेगा तो टोटल नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे सैलरी बोनस इसका सम होना चाहिए ठीक है टोटलिंग करें। और दूसरा इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप इस्तेमाल करें कि जितना हमारा डेटा होगा उतना फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक लग के आ जाएगा। तो दो चीज आपको करने हैं। एक फाइल में आप लोगों को मेल कर देता हूं जिससे आप इसको कर सकेंगे ठीक है सर? ठीक है जस्ट मैं इसको मेल आपको फॉरवर्ड कर देता हूं। और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। छोटे मोटे डाउट के लिए मुझे कॉल कर लीजिएगा। बड़े डाउट होगा तो अगली क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा ठीक है? ठीक है ओके तो मैं मीटिंग एंड करता हूँ। ओके okay.